कम से कम दो हफ्ते की बात होगी। उस दिन हम जीएम के पास गए थे तो हमारी बस प्रॉब्लम की दिक्कत है, तो हम कह रहे थे कि हमारी बस चला दो। तो जीएम ने, हम 11 बजे के करीब लगभग जीएम के पास गए थे, हमने कहा था कि हमारी 1:30 बजे वाली बस चला दो, तो उन्होंने ये कहा था कि आपकी 1:30 बजे वाली बस नहीं जा सकती क्योंकि यहाँ पर सवारियाँ नहीं होती। तो हमने कहा फिर और कोई ऑप्शन दो, हमें कहते 2 बजे आपकी बस चल जाएगी, इतनी सवारियाँ भी हो जाएगी। तो हमने ये कहा कि हम चलो ठीक है 2 बजे चलाओगे, ठीक है हम वापस कॉलेज चले गए। उसके बाद हम जब 2 बजे वापस आए तो हम 2:30 बजे तक बस का वेट करते रहे, कोई बस नहीं आई, कोई कुछ नहीं हुआ। और जब हम यहाँ पे ड्यूटी सेक्शन में आके बात की तो वो कह रहे हैं जीएम के पास, जब जीएम कह रहे हैं ड्यूटी सेक्शन से बात करो, इस तरह से हमें उलझा के रख दिया। तो उस दिन हम ये कह रहे थे जीएम को, जीएम को जब हमने कहा ना कि हमारी बस चलाओ, तो उन्होंने ये कहा कि सवारियाँ नहीं होती है, तो हम स्टूडेंट क्या करें, हमारे पास तो कोई ऑप्शन नहीं है, सवारियाँ नहीं है तो खुद लेके आओ, सवारियाँ तो खुद आएगी, हम तो स्टूडेंट हैं, हमारे लिए तो बस चलनी चाहिए, हमारे पास क्यों बनाया सरकार ने, या तो सरकार ने पास भी बंद करनी चाहिए, अपने पास रखे और हमें कह दे कि इस तरह की स्कीम फिर क्यों अलॉट करते हैं जब इस तरह का कुछ है ही नहीं। और कह रहे हैं कि वुमेन के लिए अलग से बसेज चल रही है, तो इस तरह का कुछ नहीं, अभी तक बसेज पिंक बसेज आई है लेकिन अभी तक एक भी हमने चलती हुई नहीं देखी कि वुमेन के लिए चली है अभी तक। क्या नाम आपका जी? कमलेश। तो आप स्टडी कौन से कॉलेज में करते हो? मैं गवर्नमेंट कॉलेज वुमेन सिरसा। तो पास के लिए चार्जेस कितने लिए गए थे आपसे? पास के लिए अभी गवर्नमेंट ने कहा है कि गर्ल्स के पास तो फ्री है लेकिन बॉयज के पास के तो लगे हैं, उनसे तो पैसे लिए सरकार ने, तो फिर उनका भी तो होना चाहिए, प्रॉब्लम तो सभी के लिए है, गर्ल है बॉयज है। और जब हम यहाँ आ रहे थे तो ड्यूटी सेक्शन के इनके एक वर्कर ने हमें रोक लिया था, तो उनका क्या मतलब है, हमने अपनी बात तो कहने दे एटलीस्ट, हमें उनके तक जाने तो दे। कभी कह देते जीएम के पास, जब जीएम के ऑफिस में गए तो वहाँ पे भी कोई नहीं था, ताला लगा हुआ था, ये कोई मतलब थोड़ी है भी, हमें या तो कह दे भी इस ऑफिसर के पास जाओ आप बात करो, आपको क्या कहते हैं, हमें कोई कह देता है कि आप इस ऑफिसर के पास जाओ, कोई कह देता है उधर जाओ, तो हम कहाँ जाएँ, और ना ही हमें अंदर आने दिया जाता है। हाँ जी, मेरा नाम विपिन बिश्नोई बुरजमंगू से। हाँ जी, मैं नेशनल कॉलेज में पढ़ता हूँ, हमारी बस बंद कर चुकी है, बंद कर दी है, अलिका रूट वाली बस बंद कर दी है, हमारी कोई समस्या हल करें। तो पास के लिए पास हमारे पिछले साल तो 1200 रुपये लगे थे, अभी 1850 लगे हुए हैं, अभी फीस भी बढ़ा दी है, बॉय की फीस बढ़ाई है, गर्ल की नहीं बढ़ाई, ओनली बॉय की बढ़ाई है। कौन से कॉलेज में स्टडी? नेशनल कॉलेज सिरसा से जी। कम से कम 50-60 के करीब तो बच्चे अब हैं हमारे पास, और 150 के करीब बच्चे रोज अपडाउन करते हैं, उन 150 के 150 बच्चों को उन्होंने सीधा साफ इनकार कर दिया कि हम बस से नहीं चला सकते। इनसे कॉलेज वालों ने भी 1800 रुपये फीस ले ली बच्चों से, और वो भी इनका कोई हल नहीं कर रहे हैं। अब इतने बच्चे हैं कहाँ से घर जाएंगे, इनमें से कुछ बच्चे तो किसी न किसी ऑटो करवा करके ऐसे ना कैसे घर चले गए, और ये बच्चों का क्या बनेगा। यहाँ हम गए थे जीएम सर के पास, जीएम सर कह रहे हैं सोमवार को मिलेंगे, पहले भी एक बार बच्चों मिल चुके हैं जीएम सर से, कोई इनको सुनवाई हुई नहीं इनकी, और जीएम सर अब आए उनके पास, बच्चे इकट्ठे हो गए, अब वो मिल नहीं रहे, वो कह रहे हैं पता नहीं सोमवार को मिलेंगे, है नहीं यहाँ। उनके नीचे ऑफिसर हैं, उनसे मिले, वो भी इनकी एप्लीकेशन पकड़ रहे, अब यहाँ आए थे ये भी एप्लीकेशन पकड़ने से मना कर रहे हैं, कोई यहाँ हमारी सुनवाई नहीं। अब हम करें तो करें क्या, बताएं सर जी, बहुत ज़्यादा बच्चे परेशान हैं, इतने बच्चे हैं, लड़कियाँ भी इनमें लड़के भी हैं, एक तरफ मोदी सरकार कह रही है कि बेटियाँ पढ़ाओ बेटियाँ बचाओ, पढ़ाई के लिए क्या ये कर रहे हैं, बच्चों को पढ़ाई से दूर नहीं किया जा रहा, तो और क्या किया जा रहा है। अभी आपके कार्यालय शाखा के अधिकारी से बात हुई है, तो उन्होंने क्या, उन्होंने साफ तौर से कह दिया कि हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, जीएम से मिलो, और जीएम यहाँ है नहीं, जीएम से नीचे भी सर वो भी एप्लीकेशन, कोई एप्लीकेशन पकड़ने को तैयार नहीं है। हाँ जी, इन्होंने हाँ फोन दिया था, वो उठा नहीं रहे जी, हमने काफी फोन ट्राई किया, कम से कम 7-8 बार मिला के देख लिया, वो फोन नहीं उठा रहे। हाँ, इनके साथ ऊपर से बदतमीजी हो रही है, पहले वहाँ बच्चे खड़े थे मिलने आए थे, अपने प्यार से आ रहे हैं, लेकिन वहाँ कह रहे हैं कि तो सिर्फ 3 बच्चों को आने दिया जाएगा, क्योंकि उन्होंने जवाब देना, एप्लीकेशन तो पकड़नी नहीं है, वो बच्चे आ रहे थे उनको धक्का मारा गया, कई लड़कियों को बच्चियों को, तो ये भी एक तरीके की बहुत बदतमीजी कर रहे हैं। इनके साथ जल्दी से जल्दी कुछ मतलब जो दिक्कत का सामना कर रहे हैं कुछ करना चाहिए जी। क्या नाम है? मैं जी गुरप्रीत, नेशनल कॉलेज से।